सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड की लेजेंडरी जोड़ियों में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी जुड़ा है। फिल्म देवदास में उनकी केमिस्ट्री ने सभी दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया था। पर क्या आप जानते हैं, उन दिनों शाहरुख ऐश्वर्या को कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे। जब सलमान खान और शाहरुख के बीच दोस्ती थी और ऐश्वर्या राय का सलमान से ताजा ब्रेकअप हुआ था, तब कहा जा सकता है कि पूरे बॉलीवुड ने मानो ऐश्वर्या को इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया था। उन्हें उन दिनों कोई भी फिल्म देने के लिए रेडी नहीं था। सिमी गरेवाल के इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब मेरा सलमान खान से ब्रेकअप हुआ, तब शाहरुख खान ने मुझे लगातार 5 फिल्मों से निकाल दिया था। लेकिन अब लेटेस्ट खबरों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान संजय लीला भंसाली की फिल्म में एक साथ दिख सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। खबर है कि संजय लीला भंसाली फिल्म लुधियानवी की बायोपिक की कास्ट को लेकर काफी तगड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, जहां एक्ट्रेसेस में ऐश्वर्या राय, कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा का नाम सबसे आ रहा है। वहीं एक्टर में वो शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनने में आया है कि ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के साथ ये फिल्म करने से इनकार कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे कि नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।